कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन आलाकमान के निर्देश पर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन अब आलम यह है कि गठबंधन प्रत्याशी भी इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। नागौर के गेराव गांव के एक जनसभा में बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने हाथ जोड़कर चुनाव न लड़ने की अपील की थी। सुनिए। चुनाव लड़ने से क्यों कतरा रहे हैं विपक्ष के नेता? मैं हाथ जोड़े मैं कि मन मत उतारो यार, मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़नी मन। कांग्रेस के बाद गठबंधन उम्मीदवार के दिल का हाल, मैं अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें, कौन दुपट्टा बांध और बाहर निकाल सके और कहीं मत रहेगा बाहर ही रहेगा, बताओ मन। एक जनसभा में हनुमान बेनीवाल ने खोला दिल का राज। पार्टी में ही पार्टी का दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत नहीं है, अब तो आप ये मत मानो कि कांग्रेस है बीजेपी है। हाथ जोड़कर कहा था मुझे चुनाव मत लड़वाओ। पहले चरण का मतदान बस कुछ ही दिन में होने वाला है। बीजेपी चुनाव से पहले ही जीत मानकर चल रही है। अब तो विपक्ष के नेताओं के बयानों से भी ऐसा लगने लगा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अब तक कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव लड़ने से इनकार की बात स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन अब गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का ऐसा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बिना मर्जी के चुनाव लड़ने की बात कही है। मैं हाथ जोड़े मैं कि मन मत उतारो यार, मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़नी मन, मैं कड़ दिल्ली जा ठाको एक बार आदमी हर कौन सके दिल्ली के माए है ही नहीं, बात पांच उठे पार्टी का छह पद बैठ गए तो इधर मथुरा का भाड़ा है। हनुमान बेनीवाल नागौर से गठबंधन प्रत्याशी हैं और बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा से उनका मुकाबला है। दोनों के बीच सियासी बयानबाजी भी इन दिनों चरम पर है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से जाए गई गौराव गांव में आयोजित सभा में अपना हाले दिल बयान किया, उससे इतना तो जाहिर है कि बेनीवाल भी कहीं न कहीं मान चुके हैं कि बीजेपी जीतने के जो दावे कर रही है वो खोखले साबित होने वाले नहीं है। कांग्रेस के मैं 5-7 लोग हैं, मैं जिला अध्यक्ष में रोड के रोड प्रदेश ऊपर रंधावा है कि रंधावा जी को बाहर निकालो, 5 दिन होगा साहब, मैं अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें, कौन दुपट्टा बांध और बाहर निकाल सके और कहीं मथुरा का बाहर ही रहेगा, बताओ मन। पार्टी में ही पार्टी के दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से पहले कांग्रेस नेता सुदर्शन सिंह रावत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। कुछ ऐसी ही बात जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही थी, जिन्हें सुनील शर्मा का टिकट काट करके उम्मीदवार बनाया था। बिना मन से चुनाव लड़ने की बात कहने वाले आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन की तुलना तरबूज की ढेर से की है। साथ ही कुछ नेताओं पर कांग्रेस का दुपट्टा पहन करके बीजेपी के प्रचार करने का आरोप लगाया, जिसके बाद नागौर में कांग्रेस ने कुचेरा नगरपालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा समेत 3 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लेकिन जो आलम विपक्ष में देखने को मिल रहा है उसके बाद इतना तो तय है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी ये मान चुका है कि बीजेपी भारी बहुमत से जीतने वाली है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस के 400 पार आरक्षण बंद होने के बयान पर पलटवार किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल जैसी वाली बातें कर रही है। मदन दिलावर ने अनुसूचित जाति को लेकर कांग्रेस के ही विचारधारा पर उल्टा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। और कांग्रेस कह रही है 400 पार के बाद आरक्षण समाप्त। कांग्रेस की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, देश का युवा जानता है, उसका आम जन जानता है कि ये 400 पार भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाना चाहती है कि जो 2/3 बहुमत के कारण से जो काम बचे हुए हैं उनको भी पूरा करना चाहती है जो राष्ट्रहित में है। परंतु जो कांग्रेस कर रही है ना कि 400 पार आरक्षण समाप्त, ये मुंगेरी लाल जैसी बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी आरक्षण